सर्दियां शुरू होने के नाल मौसम विच तब्दीली होंदी नजर आ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों विच ठंड होर भी ज्यादा वधेगी। कुछ लोगों को सर्दियों विच इन्नी ठंड लगती है कि वह चाहे जिन्हें मर्जी मोटे कपड़े पालन पर फिर भी ठंड बर्दाश्त नहीं होंदी। इहो जिहे लोग तदे ही सर्दियों विच जल्दी बीमार हो जाते हैं। सानू वैसे चाहिए है कि इस मौसम दौरान इहो जिही खुराक की वरतों की जाए जिस नाल शरीर नूं जरूरी ऊर्जा और पोषण मिले। अज की इस वीडियो में असीं तुहाडे लई लैके आए हैं कि तुहानूं सर्दियों के दिनों में कणक तो इलावा होर कि अनाज तो बनिया रोटियां खानिया चाहीदियां ने जो कि तुहाडे शरीर नूं जरूरी ऊर्जा और तुहानूं मौसम के बुरे प्रभावों तो बचाई रखन। पहला गल करते हैं जी अपने पंजाब की शान मकई की रोटी की। तुसीं मक्की की रोटी ते सरों दे साग दा तो सुनिया ही होवेगा और हुण तां मौसम भी आ गया साग दा। सुभाविक है कि जे साग बनिया होवे तां घरदिआं द्वारा मकई की रोटी की डिमांड तो जरूर होंदी है। पर की तुहानूं पता है कि मक्की दे आटे विच किन्ने पौष्टिक तत्व हुंदे ने अते इत्थों तक कि इसनूं ते पौष्टिक तत्तां दा पावर हाउस भी किया जांदा है। इस विच तीन तरह के विटामिन पाए जांदे ने, विटामिन ए सी के अते नाल ही सेलेनियम अते बीटा कैरोटीन भी मौजूद हुंदा है जिस नाल शरीर विच इम्यूनिटी वधदी अते खांसी जुकाम अते फ्लू तो बचा रहिंदा है। सर्दियों च घट्टो घट हफ्ते च दो बार तो इसका सेवन जरूर करना चाहिदा है। ते हाँ, ये जरूरी नहीं कि इसका सेवन सिर्फ साग नाल ही किया जाए, तुसीं किसी होर सब्जी नाल जां इस विच मेथी पा के इसकी रोटी भी बना सकते हो। हुण अगे वधदे हुए गल करदे हां जी बाजरे की। इसकी वरतों तो सर्दियों में ही की जाती है क्योंकि इसकी तसीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है और इस विच कई तरह के तत्व फाइबर आयरन पोटाशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसका रंग वैसे स्लेटी जिहा ही होता है। तीजा अनाज है जी ज्वार। इसकी मदद नाल तुसीं ग्लूटन मुक्त रोटी तैयार कर सकते हो। इस नाल ब्लड शुगर लैवल कंट्रोल च रहिंदा है और पाचन की समस्या भी नहीं होंदी। सर्दियों में दिल दी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अजिही स्थिति में ज्वार की रोटी खाने नाल दिल दी बीमारियों तो बचा जा सकता है। तुसीं वेख्या ही होवेगा राजस्थान में ज्यादातर ज्वार की रोटी खाई जाती है और उधर के लोग साडे नालों कितने ज्यादा तंदुरुस्त ने। हुण अखीर में गल करदे हां जी कट्टू के आटे की। तुसीं अक्सर वेख्या ही होवेगा वरत के दौरान कट्टू के आटे की रोटियां का सेवन किया जाता है पर यह सर्दियों में भी बहुत फायदेमंद होता है। इस विच विटामिन बी कंपलैक्स होता है और इस विच मौजूद फाइबर सानू कई समस्यावां तो बचाउंदा है। वैसे जरूरी नहीं कि इसकी रोटी ही बनाई जाए, तुसीं इसके पकौड़े भी बना सकते हो। इदां दीआं होर सेहत संभाल पक्षी वीडियोज़ वेखण लई सबसक्राइब करो साडा यूट्यूब चैनल चढ़दी कला टाइम टीवी।